यूं तो कांग्रेस में राज्य दर राज्य गुटबाजी हावी है, लेकिन जहां तक सवाल है हरियाणा कांग्रेस का, एक तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है तो दूसरी तरफ एक लंबी फहरिस्त है जिसमें रणदीप सुरजेवाला से लेकर कुमारी सैलजा जैसे दिग्गज नेता शामिल है। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि विरोधी ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, मतलब विरोधियों की उम्मीद के हर एक रास्ते पर हुड्डा का पहरा लग गया है। अब 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा विरोधी कैंप को आलाकमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का करीबी बनने के लिए और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हुड्डा परिवार की बड़ी जीत सामने आई है। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अनुभवी दाव से अपने पार्टी के भीतर के विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस के गलियारों में उथल पुथल मची थी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर कन्फ्यूजन लगातार चल रहा था कि आलाकमान यानी गांधी परिवार की ओर से अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार होंगे या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस आलाकमान और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदी हुई चाल चल दी है। हम आपको बताते हैं कि हुड्डा ने एक तीर से कितने निशाने लगाए हैं। मसलन पहला तीर तो उन्होंने उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनकर लगाया है, जहां विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। वह इसके साथ ही दूसरा तीर ये चलकर भी जाहिर कर दिया कि G23 के नेताओं के लिए पार्टी हित से ऊपर कुछ नहीं है। तीसरा तीर ये लगाया कि सुधार समूह यानी G23 के नेताओं को खड़गे के साथ खड़ा करने में हुड्डा ने अहम भूमिका निभाई है। अकेले हुड्डा ही नहीं, उनके बेटे दीपेंद्र भी खड़गे के प्रस्तावक बने हैं। इसके चलते सबसे मजबूत तीर लगा है कि आलाकमान की नज़र में ना केवल भूपेंद्र हुड्डा बल्कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का कद और बढ़ेगा। आपको बता दें कि G23 ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वीरवार रात नई दिल्ली में रणनीति तैयार की थी। इसमें भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। उन्होंने पूर्व सांसद आनंद शर्मा, महाराष्ट्र के पूर्व CM पृथ्वीराज चौहान और पंजाब से सांसद मनीष तिवारी के साथ चुनाव पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें ये निर्णय हुआ कि वे सब खड़गे का साथ देंगे, उनके नामांकन में उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी। इस निर्णय पर अमल भी हुआ और हुड्डा ने खड़गे का प्रस्तावक बनकर एक तीर से कई निशाने साध डाले हैं। दिल्ली में आलाकमान के पास हुड्डा के जो विरोधी यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा जो लगातार उनके G23 में शामिल होने का हवाला देकर काट करते थे, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। गौरतलब है कि हुड्डा ने बीते दिनों कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलकर चुनाव को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी थी। उस दौरान मीडिया में भी हुड्डा के संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार होने की चर्चाएं चली थी, लेकिन इस दौरान हुड्डा ने बता दिया था कि आलाकमान के निर्णय के साथ पार्टी में नए बदलाव का हर आदेश उनके लिए मान्य होगा। हुड्डा G23 के नेताओं को भी ये बात समझाने में सफल रहे कि पार्टी के निर्णयों के साथ चलना ही उनके लिए सही रहेगा। हुड्डा हरियाणा में अपनी पसंद का प्रदेशाध्यक्ष और अधिकतर डेलीगेट बनवा चुके हैं। आपको बता दें कि इस बात का विरोध आलाकमान के सामने हुड्डा विरोधी कैंप कर चुका है, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के प्रस्तावक बनने के बाद हुड्डा कैंप और मजबूत हुआ है, जिसके चलते प्रदेश संगठन में अपने ज्यादातर पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और ICC प्रतिनिधि बनवाने के लिए और मजबूती से अपने लोगों को मौका दिलवा पाएंगे। सियासी जानकारों का मानना है अगर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, ऐसे में हरियाणा के लिहाज से भूपेंद्र हुड्डा जो सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे उसी पर ज्यादा काम करेंगे। ऐसे में विरोधियों के लिए पार्टी के भीतर अपनी बात रखने में दुविधा हो सकती है। इसके साथ ही हुड्डा विरोधी कैंप को आलाकमान तक अपनी बात पहुँचाने के लिए और विकल्प तलाशते होंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस के हर राज्य में गुटबाजी है और इस गुटबाजी में कौन सहमात के खेल में जीत पाता है वही बाजीगर कहलाता है। जहां राजस्थान की राजनीति में बीते 3 दशक से CM अशोक गहलोत सबसे ताकतवर है, तो अब हरियाणा की सियासत में बीते 1 दशक से भी ज्यादा समय से हुड्डा ने अपने आप को सबसे मजबूत साबित किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि गांधी परिवार से इतर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का क्या कांग्रेस पार्टी और संगठन को कोई फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज़।